Click on the subscribe button and press on the bell icon to watch my all new videos. Well, so the equation जो आपके सामने फिलहाल है, equation पूछा गया है कि previous year paper में. तो basically इस तरह equation को solve करने के लिए आपको पहला तो चाहिए presence of mind plus basic concept. इस क्वेश्चन में क्या बोला है मैं आपको समझाता हूँ इसमें किस तरह के बेसिक कंसेप्ट की जरूरत है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वेल, आप टाइटल समझ गए होंगे. क्वेश्चन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में इक्वेशन हम पढ़ते हैं, अगर हम मैक्रोस्कोपिक एनर्जी को हटा दें तो क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू. तो हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का यूज करके हम यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना जरूरी है, वो क्या है? वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, साइन कन्वेंशन. अगर आपको साइन कन्वेंशन नहीं आता है, क्वेश्चन को 100% श्योर बता रहा हूं आप गलत करोगे. साइन कन्वेंशन मतलब क्या है? वर्क एंड हीट का साइन कन्वेंशन, मतलब वर्क का पॉजिटिव होता है और हीट का पॉजिटिव होता है. वर्क कब नेगेटिव होता है एंड हीट कब नेगेटिव होता है, ये अगर आपको पता है ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा. तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले वो चीज बता देता हूं. वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है. हीट बाय द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है. और हीट ऑन द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव होता है. तो यहां पर देखते हैं उस जो कंसेप्ट अभी हमने आपको बताया उस कंसेप्ट के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखिए, द गैस कंटेंट इन ए सिलेंडर, ठीक है, इज कंप्रेस्ड. वर्क रिक्वायर्ड मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम है ये, मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम कितना होगा? 5000 किलो जूल. दैट मीन्स जो ए होगा इसमें कितना होगा? -5000 किलो जूल आ जाएगा. ड्यूरिंग द प्रोसेस हीट इंटरेक्शन मतलब हीट गिवन बाय द सिस्टम कॉजेस सराउंडिंग, इतना हीट मिल रहा है हमें सिस्टम से, तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2000 किलो जूल. दोनों क्या है? माइनस है. मैंने अभी बताया वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? माइनस होगा. वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस होगा. हीट ऑन द सिस्टम प्लस होगा, हीट बाय द सिस्टम माइनस होगा. दोनों केसेस क्या है? माइनस है. तो यहां पर देखिए डेल क्यू इज इक्वल टू -2000 यू एंड डेल डब्ल्यू इक्वल टू -5000. तो हमारे पास डेल यू इज इक्वल टू -2000 प्लस 5000, इससे भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा. सो आंसर इज 3000 किलो जूल, 3000 किलो जूल. सो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. थैंक्स.